बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो सितारों के लिए इस ज़िंदगी को बनाकर रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इस लेविश लाइफस्टाइल को बनाकर रखना, इस लेविश लाइफस्टाइल को एंजॉय करना और लेजेसी को मेंटेन करना, हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज बताना चाहेंगे। वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर की पत्नी नीतू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको मालूम ना हो। जी हाँ, नीतू कपूर जो कि ऋषि के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उन्हें मिस करती नज़र आए। बीते दिनों उन्हें अपनी शादी के सालगिरह पर भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे नीतू कपूर। क्या आपको मालूम है ऋषि और नीतू के बारे में कुछ सच जो ऋषि ने बताया था? फिल्म किया था इन्होंने साथ और रियल लाइफ में इनका रिश्ता बन गया था एक दूसरे के साथ जीवन साथी का। ऋषि ने कहा था, आई वॉज वेरी डिफिकल्ट बट नीतू एब्जॉर्ब्ड ऑल द शॉक्स। यानी कि ऋषि कपूर बहुत टफ थे, लेकिन नीतू ने ऋषि कपूर के साथ अपने रिश्ते को हर मामले में संभाल कर रखा। नीतू ऋषि कपूर की ताकत थी। कैंसर के दरमियान, कैंसर हुआ था तो 2 साल ऋषि कपूर के कैंसर बैटल के वक्त पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी थी नीतू कपूर। खुद नीतू के बारे में ऋषि कपूर ने ये जानकारी फैंस को दी थी। इस अप्रैल को मुंबई में बीते साल ऋषि कपूर हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए, ठीक इरफान खान के गुजरने के बाद, सिर्फ कैंसर से लड़ते हुए। ऋषि कपूर ने आखिरी बार नीतू को लेकर बताया था कि एक बार नहीं, नीतू कई बार कई तरह की परेशानियों से ऋषि की वजह से डील करती थी। ऋषि की नशे की लत की वजह से नीतू काफ़ी परेशान थी। एक बार तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर घर तक छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। जी हाँ, बॉलीवुड के से स्टार कपल, मोस्ट पॉपुलर स्टार कपल के बारे में बात करें तो गोल्डन कपल हैं ये दोनों। हमेशा इनकी कपल स्टोरी इंस्पिरेशन बनी रही। साल 1975 में नीतू जब टीनेज एज ग्रुप की थी, 15 फिल्में ऋषि कपूर के साथ कर चुकी थी। नीतू ऋषि की बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उन फेल रिलेशन पर जब तमाम तरह की परेशानियां से उन्होंने जूझा। ऋषि से शादी के बाद ऋषि का गुस्सा, नशे की लत, उनका लेजीपन और खाने को लेकर, बाहरी खाने को लेकर उनका लत, ये सबसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। ऋषि ने बताया था, ये सीखनी बड़ी याद आती है, ये उन्होंने लिखा था टेलीग्राम पर जब वो उनसे दूर हुए थे कभी कभी कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान। जी हाँ, तभी इनको प्यार का एहसास हुआ था। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, नीतू को ऋषि ने एक बार कह दिया था, आई ओनली डेट यू एंड नेवर गेट मैरिड टू यू। काफ़ी परेशान हुई थी ऋषि कपूर को लेकर नीतू। 5 साल डेट के बाद इन्होंने शादी रचाई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।